गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 31 दिसंबर, बहुत हर्दी है हम सब हाथ में, ठीक है। मेरे पाँव का आपने, ठीक है, टाइम से हो रहे, ठीक है, तुझसे सुना हो, ठीक हो। चलिए भाई, अब हमारे पास हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट रेडी होने के लिए, क्योंकि सारे रेडी हो चुके हैं। मेरा हो रहा है पानी गर्म, ये खोलना है। अरे भाई ना आएंगे, फ्रेश होते हैं, फिर आपसे ना मुलाकात करते हैं। तो ये गाइस, मेरी तो सुबह हो चुकी है, बड़ी ठंड में मैं नहीं ना आया, क्योंकि बहुत ठंड है। मुझे पता, मैंने आगे जाना तो वार्ड लग जानी है। अभी देखो ना, नहाने का ये नतीजा है जो भाई सब नहा के बैठ चुके हैं। इनको मैंने मना भी किया था, बोलते गर्म पानी है, कुछ नहीं होता। गर्म पानी है, लेकिन जितनी ठंड है ना, मेरे हाथ कपवा रहे ऐसे। गाइस, आज का व्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि हमारा बहुत बुरा हाल है। चल नाश्ते के लिए, चल चल। और बहुत इंजॉय है नाश्ते के लिए। तुम उठोगे ना, मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ। देखो ना अब गाइस, यार आज तो आप लोगों को ब्लॉग में नहीं जा रहा यार, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। नहीं आ रहा, तुम लोग जाओ। ये देख लो, सही है, अच्छा लग रहा हूँ। पहले यार मजा नहीं आ रहा था, पर चस नहीं आ रही थी, वो कहते हैं ना चस, वो नहीं आ रही थी, अब आ रही है मेरे को। आई एम लुकिंग गुड नाउ, लुकिंग सेक्सी। चलो भाई नाश्ता करने चलते हैं, वरना बाकी के लोग गुस्सा हो जाएंगे। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। तो जी, आज का हमारा सीन है कलाम का, आज हम जाएंगे कलाम। तो चलो पहले होटल वाले की तरफ से नाश्ता कर लेते हैं, सही है, बहुत भूख लग रही है। मैं नाश्ता करता हूँ, सब पहले ही रेडी हैं इधर। चलो जी, अब मेरी बारी। तो गाइस, नाश्ता आ गया, अब हम सब करने लगे नाश्ता, फिर हम लोग निकलेंगे सफर के जाने। नहीं, जो जल्दी जल्दी मैंने बोल के, तो जी हमारा नाश्ता हो चुका है कंप्लीट। और नाश्ते के बाद आपको तो पता ही है, लाजमी है हमारा, इसके बगैर कहाँ है हमारा रास्ता, यहाँ से था भाई, यार इधर आ जा। कहाँ पे था मैं, हाँ, खाने के बाद ना, सिगरेट इज इम्पोर्टेंट, या सिगरेट इज इम्पोर्टेंट, टू मच इम्पोर्टेंट, ओके, नाश्ते के बाद, सॉरी। तो हम जा रहे हैं अब रूम की तरफ अपने। हमारा हॉल, हॉल उसके साथ है एक हॉल। चलो जी अंदर चलते हैं, हम पैकिंग वगैरह करें अपनी, फिर हमें निकलना है। मैं आपको मिलता हूँ सीधा गाड़ी के अंदर, ठीक है, चलो। तो जी, ये हमारा टूरिज्म है और काफ़ी अच्छा प्लान हुआ अभी तक। तो एक दिन ही तो रह गया, वो भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा है। हैप्पी न्यू ईयर का भी सीन, जो आज का सीन है। सीट बेल्ट बांध लो अपनी, लेट्स गो, चल चला दे। इसकी खासियत क्या है इस जगह की, किस वजह से ज़्यादा मशहूर है, लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, किस लिए आते हैं, क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या है निज़ाम वगैरह, ये सब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकबर अली है जी, यहाँ मरगज़ार के रहने वाला हूँ। यहाँ मरगज़ार वाइट पैलेस के नाम से मशहूर है जी। मरगज़ार का पहला नाम मरगज़ार नहीं था, लेकिन बादशाह साहब जब आए ना, यहाँ की खूबसूरती को देखकर इसका नाम मरगज़ार रख दिया। माशाल्लाह, ऊपर इसका मतलब होटल वगैरह भी बना हुआ है, जिसके अंदर हिस्टोरिकल मोमेंट्स भी हैं। बिल्कुल, उसका जो बंगला है ना, अभी होटल में कन्वर्ट कर दिया है। और बिल्कुल पहाड़ों जैसा नज़ारा है यहाँ।
हाँ यहाँ पे है। अच्छा तो चलो गाइस हम लोग ऊपर चलते हैं। तो जी हम ऊपर जाने लगे हैं, लेट्स गो। अब हम देखेंगे होटल वाइट पैलेस। 150 रुपए तो है, कोई बात नहीं, इतनी तो बनती है यार यहाँ। इधर 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 ये तो दिखाओ, ये तो दिखाओ। इतना साफ सुथरा रखते हैं इधर। ये बाजू खाना है चाचा। चलो गाइस अंदर चलते हैं हम और देखते हैं वाइट पैलेस के हिस्टोरिकल मोमेंट्स। हटो ये सवाल, जिसको पढ़ लेना यार, अगर जिसको पढ़ना हो। ये हिस्टोरिकल मस्जिद है यहाँ की, बादशाह के जमाने की मस्जिद है। और इधर बच्चे को खिलौने वगैरह सारी चीजें। चलो भाई हम चल रहे हैं। और ये मैं हूँ और ये मेरा हाथ में शूटिंग है, मेरा ग्लासेस तो हाथ में ही है। तो अभी हम अंदर आ गए हैं। ₹150 की टिकट है, 150 के दो बंदे वसूल होना चाहिए। हाँ बड़े महंगे हैं। वाह वो देखो कुर्सी चेक करो, कुर्सी बोलो वो बादशाह की और उसकी। क्या हाल है बैठ, कैसे ठीक हो? कि यार यहाँ के बारे में कुछ बताओ तो सही हमें। ये बादशाह का महल का क्या हाल है अभी? ये रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भैया? अजीज भाई, इस जगह के बारे में हमें जानकारी देंगे, थोड़ी इंफॉर्मेशन बताएंगे? आइए फिर हम अंदर जा रहे हैं। ये देखने में देखो कैसा है, आम ही लगता है लेकिन ये बिकेंगे, हम बिकेंगे। आगे वाले सवाद 1961 हक भाई with, along with Queen Elizabeth, Elizabeth के साथ इन्होंने पिक्चर खिंचाई थी। सवाद का पहले अलग स्टेट था, ये तो हमें पता ही नहीं था, आज पता चला। ये भाई ₹1 का नोट है सवाद का। आगे तो ये ऐसे ही हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने चंद मोमेंट्स के बारे में आपको बताया। वो ये उस डिश, ये एम्बुलेंस पोनी एम्बुलेंस वाज यूज्ड एट द स्टेट टाइम। वाओ पुराने जमाने की एम्बुलेंस। और अब क्या है, चीपा है कराची के अंदर। अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता लाहौर इस्लामाबाद में क्या है। कायद आजम रिलीफ फंड, वाओ कायद आजम ने उस जमाने में 3 लाख कायद आजम भाई किसने किया था ये? अच्छा अच्छा ये पुराने हिस्टोरिकल पिक्चर्स हैं। कहाँ है ये उनका अपना बेडरूम था, खोले अभी बंद है। अभी बंद है ये क्या, ये राजा का रूम तो दिखाओ यार। ये मालिक खुद इस्तेमाल करते हैं। अच्छा 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 ओके, तो यही मेन जगह थी। चलो गाइस वाइट पैलेस की जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दिखा दी, दैट सेट। बाकी अंदर वगैरह कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, खाने वगैरह की जगह है, क्योंकि अब ये जगह इतनी ख़ास नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी राजाओं के दौर में। नाउ इट्स ओनली यू कैन से कि बस मोमेंट्स लगाए मैं थोड़े से कमरे के अंदर, दैट सेट। और इतना कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं। चलो भी जाएंगे। अब यहाँ से निकलते हैं, अब जाते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या जी दूसरा पॉइंट हमारा? नहीं नहीं हम वहाँ नहीं जा रहे, हम बस यहाँ से निकल रहे। हम वीडियो पिक्चर वगैरह लूँगा मैं आपकी और अपनी, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ओके गाइस चलते हैं हम दूसरी लोकेशन की तरफ। चलो गाइस हमारा फोटो शूट का टाइम और ये जा रहे हैं वीडियो बनाने। अब मैं भी आगे आगे जा रहा हूँ लेकिन मैं इतना आगे नहीं जाना क्योंकि मैं स्लिप हो जाऊँगा। तो इनको मना भी कर रहा था लेकिन ये घुस गए अंदर। ये स्लिप चलो पहुँच गए। अब देखो अजय भाई के साथ क्या हुआ है,
ये लेट हो गया, मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने कैमरा बंद किया और फरजैन भाई गिर गए, आप ये देखे। भाई स्लिपिंग स्लिपिंग हो गए। अब मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ, ये देखे कितने लगा था ये पानी, ये स्लिपिंग हो गई है। ये बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ये मफलर खराब कर रहे हैं, हिला कर रहे हैं और इससे साफ करेंगे। ये क्या हुआ तुम्हारे साथ यार, ये तो हमको बहुत बुरा लगा। चलो कोई बात नहीं, अब ये व्यू देखो, ये पानी अगर ये इधर गिरता तो बहुत बुरा हाल होता, लेकिन ये इधर गिरा है क्योंकि यहाँ तस्वीर खींच रहा था, आपको दिख जाएगा तस्वीर इसकी आएगी इस जगह पे और ये इस जगह पे गिरा है, तो ये तो बहुत वायरल होने वाला है ये गिरते हुए। क्या करें, ये व्यू देखो यार, आप छोड़ो उसको, अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये कितनी प्यारी जगह यार, कसम मेरा गिलास देखो कहाँ पड़ा हुआ है। ओहो एमपी आ रही है, देखने जा रहे हैं फुल स्टाइल में। तुमसे ना हो पाएगा। तो जी हम आ गए हैं गाड़ी में वापस। अब सीन ऐसे है, अब हम यहाँ से निकलते हैं तो एक और पॉइंट व्यू करेंगे। कल आम का सीन कैंसिल है क्योंकि बॉयज ने लेट कर दिया है, अभी भी पूरे नहीं आए। तो वहाँ से 6 घंटे का सफ़र है, 1 बज रहा है, अब जा नहीं सकते क्योंकि अगर गए तो वापसी रुकना अंधेरा हो जाएगा, तो जीप वहाँ से भी करनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा 6 घंटे के रास्ते। सीन मेरे को लग रहा है इधर से कैंसिल हो गया है कलाम का। खैर इधर जल के बात करते हैं। तो जी जैसा कि आपको पता है कलाम का हो गया सीन कैंसिल, बिकॉज कुछ मसले लड़कों की वजह से हुए हैं कि उन्होंने सुबह लेट कर दिया और सबात में जो वाइट हाउस था उधर भी लेट कर दिया। क्या हुआ, 6 घंटे का सफ़र था जीप में या 5 घंटे का, तो उधर जाते तो रात में सफ़र मुनासिब नहीं समझते भाई, तो इसलिए कैंसिल कर दिया सवात का सफ़र। तो अभी अब हम होटल ही जा रहे थे तो हमने सोचा यार हम नहीं नहर थी आ जाए यहाँ पर, अच्छी नहर आ जाओ साइन लेके आ गया मेरे को, मेरा तो मूड नहीं था फिर भी चलो मैं आ गया। इन्होंने चरपाई की बनाई हुई कश्ती, लेट जाओ यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ कोई है ही नहीं। ओहो रहा नहीं जाता, हम सिंगल है ना। सो गाइस हम आ गए हैं रूम में और सीन तो आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से बैड सीन हो गए हैं हमारे साथ, तो खैर गलती किसी की भी नहीं थी, सबकी थी, सब लोगों ने ही गिरा। यही नहीं है आज के दिन के लिए, जो हमारा न्यू ईयर का दिन है वो ये नहीं समझना कि ख़राब होगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा क्योंकि फायरवर्क्स जो करने हैं ना हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ 12 बजे हम जो सेलिब्रेट करेंगे वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, वो एंजॉय करना आप लोग, वो मोमेंट्स बहुत 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 अहम है। सी यू सून। तो जी ऐसा हुआ, हमें लगी बहुत भूख और हमने मंगा लिया खाना, सही है। तो हमारे पास ये चपली कबाब और कढ़ाई चटनी और दिस नान, ओके अब हम दोनों खाने लगे हैं, मिलते हैं आपको सीधा न्यू ईयर पे, क्या सीन होंगे। ओके हमें पेट पूजा करना है। सो गाइस 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने न्यू ईयर इस बार कैसी सेलिब्रेट करी। सो 20 मिनट बाकी हैं, देखते हैं क्या मज़ा आता है। भाई हम सब यहाँ पे, अभी मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, अनार पकड़ के मैं यूँ घुमाऊँगा सर के ऊपर, देखना आप लोग। बॉनफायर लगी हुई है आगे, बॉयज ने सीन बनाया हुआ है अपना पूरा, तो हम भी इनको ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर बाद। लेट्स गो, मैं अपना शूट करता हूँ भाई, इधर डांस वगैरह फुल सीन ऑन है। हाय हाय देना देना।
अरे तू गलत चला रहा है मेरे ख्याल से। क्या हो गया? सीधी ओ बड़ा बला आ गया, बड़ा बला। ये अजन भाई, बाय 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 बाय, गलत नहीं गिरा दी हो ये अजन। भाई लाइटर दे दे ना, लाइटर लाइटर अरे मेरे भी चला ये जा। यार ये धन घुमा चला चला और किधर है। भाई जर्नी टू पैराडाइज 2024 आज हैप्पी न्यू ईयर पे केक कटे। लाइट मार रहा है वो। चलो 3 2 1 हैप्पी पाकिस्तान 2024 साल का। चलो भाई केक कट गया भाई, केक 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 केक। मेरे पे लाइट मार, मेरे पे लाइट मार। हैप्पी न्यू ईयर टाइम। ये क्या बात है, थोड़ा देख लाया मैं। हैप्पी न्यू ईयर। चलो 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 लाइट मारो लाइट मारो लाइट। हैप्पी न्यू ईयर। ये मुन्ना 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 हाजिर 2023 चला गया। 2024 को बाबा है, वो भी 2024 की शुरुआत और इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी आ रहा है। भैया इनको लाइट दिखा दो यार, एक मिनट के लिए भाई, सिर्फ अगर आप माइंड ये देखो भाई लाइट मांग रहे हैं, यूज करो। दे दे भाई, आप टिकटॉक करो ना, आप टिकटॉक करो भाई। देखा मैंने आपको पहचान लिया। चलो चलो ये देखो, इनको कहते टिकटॉक करे। सो हे गाइस, इसी के साथ साथ हमारा 2023 खत्म होता है। आप लोग ख्याल रखना, मिलते हैं 2024 में बहुत सारे धमाकों के साथ। आई लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।